हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे और 8 बजे दो क्लास अपने इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर हम लोग करंट अफेयर है जो कि कवर करते हैं। सुबह के 5 बजे वाली क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है 12-15 महत्वपूर्ण सवाल है जो कि 12-15 मिनट के अंदर कवर करते हैं, और ये 8 बजे वाला सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग डेली सुबह के जो न्यूज पेपर है वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। हर एक न्यूज के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, प्रेजेंट देखते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो सब चीजें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली फ्रेंड के साथ में, ताकि सभी लोग जो है एक अच्छा करंट अफेयर देख के एक अच्छी नॉलेज है जो कि ले सके। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 9th of July, तो 9th of July के महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर करेंगे। ओके गाइस, अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देना चाहते हो, तो सेशन को आप 1-2 महीना रेगुलर देखो। आई विल गारंटी यू, आपको खुद को फील आने लगेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो बहुत ही जबरदस्त हो चुका है ना। कोई भी एग्जाम दोगे, कोई भी स्टेट में दोगे, आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में आज के दिन हिंदू, उसके बाद में आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट, और आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हम लोग कवर करेंगे। तो ये आज का दोस्तों अपना पूरा का पूरा एजेंडा है। सबसे पहले बात करेंगे कि कल के सवाल के आंसर जो कि मैंने आपसे पूछा था दिलीप कुमार जी की मूवी के बारे में। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों कि मुगले आजम जो है वो बहुत ही फेमस मूवी है जो कि इनकी रही है, जिनके लिए इनको काफी अवार्ड भी जो है वो मिले हैं। फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है? तो ताल नाम का दोस्तों एक वॉल्केनो है यहाँ पे जो कि फटने की अभी पॉसिबिलिटीज है जो कि बताई जा रही है। किस राज्य सरकार ने 3 बाघ अभ्यारण्यों को जोड़ने वाले गलियारा विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। तो आपका भी यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट मंत्री के रूप में इस्तीफा नहीं दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? निर्मला जी का दोस्तों अभी इस्तीफा नहीं लिया गया है, बाकी सबका हो चुका है। तो आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा अगर आप इंडिया में घर बैठे इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से सारे सब्जेक्ट घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, PDF सब कुछ आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं, तो अनअकैडमी प्लस आप ले सकते हैं। प्लस लेते वक्त आपसे रेफरल कोड पूछेगा, तो आपको BHU10 या फिर BHU10 आपको लगाना है, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ये सब रेफरल कोड आप अपने UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, ओके 30+ एग्जाम के लिए जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। आप लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस ये सब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे SSC हो गया, आपका UPSC है, IIT है, GATE है, जो भी आपका गोल है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके 12 या 24 महीने सेलेक्ट करना है, और नीचे BHU10 है जो कि लगाना है। आपको 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ GK, मतलब अगर आपको SSC की तैयारी करनी है और अगर आपको GK पढ़नी है, तो SSC में मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की भी पूरी क्लासेस मिल जाएगी। आपको रेफरल कोड BHU10 है जो कि लगाना पड़ेगा, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और साथ में कल भी मैंने, आज एक और नया वीडियो है जो कि इंडिया करंट अफेयर के ऊपर आने वाला है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके गाइज, और अगर दोस्तों आपका कोई फ्रेंड या आप में से कोई जॉब कर रहा है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपने एजुकेशन के स्पॉन्सरशिप का वेट कर रहे हैं कि कोई आए और उनको अडॉप्ट करे उनके एजुकेशन को, और कम से कम 300-400 बच्चे हैं जिनका जुलाई में एडमिशन करवाना है। तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हैं, और एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के बारे में बता सकते हैं, यहाँ पे पूरी बच्चों की डिटेल भी जो है उनको मिल जाएगी। ओके, smileforallsociety.org की वेबसाइट पर जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके गाइस, आज का कोड ऑफ द डे की बात करें जो कि मोहित के द्वारा भेजा गया है, बड़े निर्णय लेते हुए डरना गलत नहीं है, डर के कारण बड़े निर्णय लेना गलत है। बिल्कुल सही बात है। देखो, लाइफ में कभी भी बड़े फैसले लोगे तो डर ना लगे, ऐसा तो बहुत ही कम है जो कि होता है। डेफिनेटली मतलब हम लोग इंसान है, डर जो है वो लगता है, बड़े फैसले लेने पे भी लगता है, कुछ गलत ना हो जाए, गलत होगा तो घर वाले क्या बोलेंगे, फैमिली मेंबर्स क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, हमारे आसपास के लोग हैं वो क्या बोलेंगे, हमेशा मतलब ये तो खैर होता ही होता है। लेकिन जो आपको पसंद होता है ना, उसके लिए अगर आपको अपना जीवन आपके हिसाब से जीना है, उसके लिए फाइट मारनी पड़ती है, और ये फाइट मारना दोस्तों इतना आसान नहीं होता। डेफिनेटली इसमें मेहनत भी लगती है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, तो गाइज आपको फाइट मारनी पड़ेगी, मारनी चाहिए, चाहे फिर सामने कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि आपको अपने पैरामीटर के ऊपर लाइफ जीनी है।
तो जब आपको बड़े बड़े निर्णय भी जो है वो लेना सीखना पड़ेगा। निर्णय लोगे तो गलत भी होगा सही भी होगा, लेकिन निर्णय लेना जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, और डर के कारण तो कभी भी कोई चीजें जो है वो बदलने नहीं चाहिए। क्या मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा, क्या मैं बिजनेस कर पाऊंगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, अरे आप सब कर पाओगे यार, लेकिन आप करने की कोशिश तो करो, एक बार बाहर तो निकलो, मेहनत तो करो, अपने 12-16 घंटे दो किसी काम को, अपने आप वो चीजें जो कि होने लगेगी। ओके, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि डर के कारण जो आप अपने निर्णय है जो कि नहीं बदलोगे। आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि क्रेन इंडिया को लेकर, क्रेन एनर्जी और इंडिया के डिस्प्यूट को लेकर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो भारत के दोस्तों 20 इंडियन असेट है ना, वो क्रेन एनर्जी है जो कि लेने वाला है, तो इसके बारे में बात करेंगे। मतलब इंडियन असेट कोई बाहर की कंपनी मतलब उनको ले रही है, ऐसा कैसा पॉसिबल है, तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है दोस्तों कि एफबी को, फेसबुक को, कि भाई आपको दिल्ली गवर्नमेंट के सामने सम्मन है जो कि मतलब सामने पेश है जो कि होना पड़ेगा। ओके, ताकि वापस से आपको मालूम है राइट्स हुए थे तब फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे लोग हेट्रेड के मैसेजेस कर रहे थे, तो वो सब चीजें गलत है, इसलिए फैसला सुनाया गया है। ठीक है गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने 13 लोगों को यूपी जेल से रिहा कर दिया क्योंकि ज्वेलाइन के अंदर उनको बहुत सालों से जो है 14 से 22 साल तक वो जेल में जो है वो पड़े हुए थे, जबकि ज्वेलाइन का ऐसा होता है कि 3 साल से ज्यादा आप जेल में रखते नहीं हो, लेकिन बहुत ही गलत है जो कि इनके साथ हुआ था, तो ये बहुत सालों से थे, इनको रिलीज किया गया। ओके, यहाँ पे दोस्तों हाईकोर्ट ने बोल दिया कि भाई हम आपको किसी भी तरीके से सेफ्टी अवेलेबल नहीं करवाएंगे अगर आप आईटी रूल्स के साथ में नहीं चलते हो तो। तो एक ट्विटर को दोस्तों यहाँ पे साफ बोला गया है। नए जो यहाँ पे मिनिस्टर आए हैं उन्होंने भी सेम कहानी है, इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अश्वनी जी, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई इनको ओबे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जो कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है जयपुर का, उसने सैंपल वॉइस सैंपल जो है वो शेखावत जी के लेने के लिए यहाँ पे बोला है। जल शक्ति मिनिस्टर का एक वॉइस को लेकर एक ना कॉल को लेकर काफी कॉम्प्लिकेशन है जो कि हुए थे यहाँ पे, उसको लेकर बताया गया है। ठीक है, अरुणाचल में दोस्तों सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री है जो कि दी जा रही है, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये गांधीनगर एयरपोर्ट है मतलब जो कि बिल्कुल इसको टकाटक किया गया है। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे इस वाले मुद्दे के बारे में, तो क्रेन एनर्जी डिस्प्यूट जो कि इंडिया के साथ में था, जिसमें इंडिया को 1.2 बिलियन डॉलर नियर बाय 8-10 हजार करोड़ रुपए है जो कि देने थे, जब हेग के अंदर ये फैसला इंडिया के खिलाफ सुनाया गया था। ओके, तो काफी टाइम से मतलब ये पैसा हमारे द्वारा नहीं दिया जा रहा था, तो फ्रेंच कोर्ट ने ऑर्डर किया और बोल दिया कि भाई 20 ऐसी इंडियन प्रॉपर्टीज है पेरिस के अंदर, उनको सीज कर लिया जाए तो और अपना पैसा है जो कि रिकवर कर लिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हालांकि डिनाई किया कि किस इस तरीके का कोई भी ऑर्डर जो है वो हमें नहीं मिला है और हम लोग ट्रिब्यूनल के डिसीजन का वेट करेंगे। ओके, जो कि वापस है, और वैसे खैर इंडिया के द्वारा फैसला जो है वो ऑलरेडी आ गया था पहले। ठीक है, इसके बारे में पूरी बारे में बात करेंगे कि ये मैटर एक्चुअली में ऐसा है क्या। पहले तो एक बार जान लेते हैं कि ये क्रेन एनर्जी कंपनी कौन सी है। देखिए, क्रेन एनर्जी कंपनी जो है वो 1981 में शुरुआत हुई थी, ऑयल और गैस कंपनी है ना। हमारे यहाँ पर भी दोस्तों क्या हुआ था, राजस्थान के अंदर जो है इन्होंने एक्सप्लोरेशन है जो की करी थी और यहाँ पे ऑयल के बारे में गैस के बारे में पता किया था, समझ गए। ओके, यूके की कंपनी है, यूके में हेडक्वार्टर है, सिमोन थॉमसन है जो कि इसके सीईओ है, काफी बड़ी कंपनी है। और हमारे यहाँ पे एक्चुअली के अंदर क्या हुआ था, जब हमारे यहाँ पे 2007 में इन्होंने ऑयल के गैस के एक्सप्लोरेशन करे थे राजस्थान में बाड़मेर रीजन के अंदर, तो है ना, उसके बाद में क्रेन इंडिया जो है उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी बनी जिसने इंडिया में वो लिस्ट हो गई। 2011 के अंदर वेदांता जो कंपनी अपनी इंडिया की, उसने एक्विजिशन किया था इस कंपनी का, 58% स्टेक है जो कि इस कंपनी के ले लिए थे। ओके, बहुत ही ज्यादा अमाउंट था, $8.7 बिलियन था। 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर के अंदर केस सुनाया था, बोला था कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स है जो कि गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है। एक्चुअली क्या होता है रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी कानून क्या होता है कि जब से बना होता है ना तब से ही लागू होता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं निर्भया कांड वाला। निर्भया कांड के अंदर पहले क्या था कि जो भी ज्वेलाइन होंगे 18 साल से कम माइनर होंगे उनको सजाए मौत नहीं मिल सकती है, समझ गए। तो उन्होंने एक कारनामा किया और उनको सजाए मौत नहीं मिल पाई जो 18 साल से कम थे, लेकिन उसके बाद में हमें लगा कि इस कानून को बनाने की जरूरत है तो हमने फिर उसके बाद में कानून बनाया। तो जब से कानून बनता है ना उसके बाद से दोस्तों वो कानून वैलिड होता है, पीछे से जाके वैलिड नहीं होता। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव ओके डिसीजन, यानी कि पीछे जाके अगर कोई टैक्स लगा रहा है या कोई क्राइम के ऊपर किसी को दे रहा है तो वो गलत है जो कि माना जाता है। हालांकि मैंने अभी जो आपको बताया वो क्राइम वाले केस में बताया था, लेकिन इसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है जो कि लगाया था कि नहीं 2012 से नहीं, आपने जो 2006 से जो पैसा कमाया ना उसके ऊपर जो है आपको टैक्स है जो कि देना पड़ेगा, जो कि क्रेन एनर्जी ने देने से मना कर दिया। और उसके बाद में जो है ये इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में चले गए, ट्रिब्यूनल ने
जो है कंपनी के फेवर में जो है ये फैसला है जो कि सुना था, और ये भारत को बोल दिया कि आप इनके पैसे जो है जो आपने इनके सीज किए थे, जो टैक्स लिया था उसको वापस करो। इंडिया ने वापस किया नहीं, तो ये दुनिया में भारत के जो असेट्स है उनको सीज करने में जो है वो लग रहा है। समझ गए? तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया, 2012 में इसको इंट्रोड्यूस है जो कि किया गया था। ठीक है गाइस, थोड़ा सा मैं और आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अभी दिसंबर 2020 की बात है, इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो बोला था कि आपने रॉन्गली रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है जो कि लगाया है क्रेन एनर्जी के ऊपर, और इस वर्डिक्ट जो है उससे 3 महीने पहले ही वोडाफोन वाला केस भी जो है हम लोग हार गए थे, जिसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में ही बात करी गई थी। 2006-2007 के अंदर क्रेन यूके ने दोस्तों ट्रांसफर किए थे अपने शेयर क्रेन इंडिया को, और ठीक है, उस टाइम पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने क्या लगाया था, 24,000 करोड़ रुपए का टैक्स है जो कि लगाया था। ये बोला था कि इस शेयर के ट्रांसफर से उनको क्या हुआ है, कैपिटल गेन है जो कि हुआ है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल गेन कंपनी ने देने से मना कर दिया, और इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल के अंदर, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने केस है जो कि दायर किया। 2012 के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट को पता लग गया कि यार हम तो पैसा ले नहीं सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक अमेंडमेंट कर दिया अपने इनकम टैक्स एक्ट में, और ये बोल दिया कि रिट्रोस्पेक्टिवली भी दोस्तों ये जो टैक्स है वो लागू होगा। अगर कोई भी मर्जर होता है, कोई भी एक्विजिशन होता है, इस तरीके से शेयर ट्रांसफर होते हैं, तो जो भी पैसा कमाया ना वो पहले से भी देना पड़ेगा, अगर उसमें इंडिया के कोई असेट इन्वॉल्व है तो। समझ गए? ये फैसला ये आने के बाद में लॉ इंडिया मजबूत हो गया था पैसे लेने को, है ना। तो 2015 के अंदर क्रेन एनर्जी कहां पे चला गया, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चला गया, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ है जो कि फैसला आया, और 8,000 करोड़ रुपए दोस्तों जो है वो देने के लिए बोला गया, जो डैमेज है जो कि क्रेन को हुआ था। ओके, और बोला गया कि ये सिर्फ टैक्स रिलेटेड इश्यू नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट भी है। ओके, और ठीक है गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं, और बोला गया कि इंडिया का जो गवर्नमेंट का रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड थी वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, किसका, गारंटी ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट का, है ना। और हमने इंडिया यूके के जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी उसको भी हम लोग अच्छी तरीके से होल्ड नहीं कर पाए, इंटरनेशनल लॉ के तहत भी कंपनी के बिजनेस को काफी नुकसान है जो कि हुआ है। ठीक है गाइस, तो $1.4 बिलियन है जो कि भारत को देने के लिए बोला गया था, और उसके बाद में क्रेन एनर्जी जो है वो 5 डिफरेंट कंट्रीज के कोर्ट में चले गई थी इस पैसे को रिकवर करने के लिए। समझ गए? जैसे कि यूएस और यूके के अंदर भी पहुंच गई, उसके अलावा नीदरलैंड, फ्रांस, कनाडा, तो इन सारे कंट्रीज के अंदर जो इंडिया के असेट्स है उनको सीज करने के लिए ये कोशिश है जो कि कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी रिसेंटली कंपनी के द्वारा कहा गया है कि फ्रांस ने हमको इसका अप्रूवल है जो कि दे दिया, लेकिन अभी तक इंडियन गवर्नमेंट को इसका कुछ नहीं मिला है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये सारी बातें हो गई। ठीक है गाइस, चलिए, हमारा स्टैंड क्या है कि हम लोग स्टडी करेंगे इस अवार्ड को, और अभी हम लोग देखेंगे, कंसल्ट करेंगे हमारे काउंसिल से, और देखेंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर और आगे काम किया जा सकता है। ओके, अभी रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही है। देखिए, बहुत सारे देशों में क्या होता है कि कंपनियों की जब बनती है ना, तब उनके बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, बहुत सारे देशों में रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन नहीं होता, तो कोई भी कंपनी बड़ी होने लगती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनके टैक्सेशन डिस्प्यूट जो है ना, टैक्स को लेकर वो इतना सीरियस नहीं होती है, इतना कंसर्न नहीं होती है। ओके, तो वो काम चलती रहती है, जब कंपनी बड़ी होती है, ओके, तब किसी कंट्री को समझ आता है कि यार स्टार्टिंग में तो इसने बहुत सारे टैक्स को जो है वो छुपा लिया है, बता लिया, छुपाना तो क्या होता है, लेकिन कंट्री के लॉ से ही उसको लूप होल मिल गया अपना पैसा बचाने को लेकर, तो फिर कंट्री बोलती है कि चलो ठीक है, हम पीछे से टैक्स लगाएंगे, लेकिन फिर वो पीछे से लगाना जो है वो अलाउ नहीं हो पाता, क्योंकि इंटरनेशनली वो ज्यादा वैलिडेशन नहीं रखता है। ठीक है गाइस, तो अपनी अबनॉर्मलिटीज जो है ना, ओके, उसकी पॉलिसीज के करेक्शन के लिए मतलब जो है कंट्रीज इसको करता है, जो उसके टैक्सेशन के अंदर अच्छी चीजें नहीं थी, जो स्टार्टिंग में गलती देखने को मिली थी। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही है, आपको दुनिया के कई सारे देशों में इस तरीके के टैक्सेशन है जो कि देखने को मिलेगा। यूएस, यूके, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कई सारे देशों ने मतलब इसके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है जिसके ऊपर काम किया है, और वहां पर काम चलता भी है, लेकिन बस वही वाली बात है कि वो शुरू से ही अपना कंपनी के ऊपर जो है वो इतना ज्यादा निगरानी रखते हैं कि वो इस तरीके के डिस्प्यूट वहां पे होते नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, हमने क्या पहले ध्यान नहीं दिया, पहले ध्यान दिया होता तो शायद हम लोग ना तो वोडाफोन वाले केस हारते भी नहीं, और ये वाला भी नहीं हारते, क्योंकि इनिशियली आपको कंपनी के ऊपर से टैक्स को लेकर चीजें जो है वो क्लियर रखनी चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है ये 1899 में इसका फॉर्मेशन किया गया, हेग नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पर्पस क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं ना उनको कंट्री के खिलाफ आपस में ये सारे के सारे देखती है।
ओके, थ्री पार्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होता है, मेंबर ऑफ द कोर्ट होता है और इंटरनेशनल ब्यूरो भी इसका बनावा होता है। फंड की बात करें तो इनको फंड जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज से और सारे देशों से जो है वो थोड़ा थोड़ा करके है जो कि मिलता है, ठीक है। और इसीलिए क्लीन एनर्जी ने दोस्तों एयर इंडिया के एसेट को भी जो है वो लेने को लेकर बोला है, क्योंकि एयर इंडिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का एसेट है और एयर इंडिया के आपको मालूम है प्लेन्स है, ऑफिसर्स है बहुत जगह के ऊपर, ओके। तो एक तरीके से अल्टर ईगो है जो कि इंडिया का बताया जाता है एयर इंडिया को। तो क्रेन का ये कहना है कि हम एयर इंडिया को भी जो है वो ले लेंगे, ओके। तो इसको लेकर भी काफी बातचीत है जो कि हो रही है। इसका पूरा प्रॉफिट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास ही जाता है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑल राइट, चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 8 को लेकर दोस्तों। तो यहां पे पेज नंबर 8 की बात करें तो यहां पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है वीरभद्र सिंह जी को लेकर। तो वीरभद्र सिंह जी की दोस्तों यहां पे मृत्यु हो गई कल। हिमाचल प्रदेश के सीएम थे, वेटरन कांग्रेस लीडर थे दोस्तों, और चार बार जो है वो छह बार मतलब सिक्स टाइम जो है ये सीएम है जो कि रह चुके थे, ओके। दो बार कोविड इनको पिछले 3 महीने में हो चुका था, काफी ज्यादा उम्र थी, 87 की उम्र के थे, ओके गाइस। तो इनके रिसेंटली मृत्यु है जो कि यहां पे हो गई है। फर्स्ट टाइम जो ये लोकसभा के मेंबर बने थे वो 1962 में बने थे, सोचे इतने पहले, ओके। पांच बार ये एमपीपी जो है ये रह चुके हैं। उसके अलावा स्टील यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडस्ट्रीज रहे, एमएसएमई के मिनिस्टर रहे, बहुत सारे मिनिस्टर से जो किए रह चुके हैं। आप देख सकते हैं काफी लॉन्ग प्रोफाइल है, ओके। फोर्थ सीएम थे हिमाचल प्रदेश की और कई बार जो है वो सीएम रह चुके थे, ओके। एमएलए एमपी बहुत बार है, एमएसएमई मिनिस्टर है स्टील के, इंडस्ट्रीज के, टूरिज्म के, एविएशन के। 1934 के अंदर इनका जन्म हुआ था पंजाब के अंदर जो कि आज हिमाचल का पार्ट है, और 87 की उम्र के अंदर इनकी मृत्यु हुई, ओके गाइस। चलिए ठीक है, रत्ना कुमारी और प्रतिभा सिंह है जो कि इनकी वाइफ हुआ करती थी, चार बच्चे हैं इनके और बाकी सारी चीजें तो खैर कोई खास नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हम लोग बात करेंगे श्रीलंका को लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पे। फोर्थ ऐसे राजपक्षा फैमिली के मेंबर दोस्तों कैबिनेट के अंदर शामिल है जो कि हो चुके हैं, ठीक है। कुल मिला के देखो ये एक ऐसा परिवार है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है समझो, कि श्रीलंका के अंदर है ना दो जो भाई है वो तो ऑलरेडी आपको मालूम है, एक तो प्रेसिडेंट है और एक प्राइम मिनिस्टर है। एक और भाई ने ज्वाइन किया कैबिनेट मिनिस्टर, एक और भाई ने ज्वाइन किया वो भी कैबिनेट मिनिस्टर बन चुका है। उसके अलावा एक भाई का जो बेटा है वो भी यहाँ पे मंत्री बने हुए हैं। तो इस तरीके से 5 लोग एक ही परिवार के दोस्तों श्रीलंका को रूल है जो कि आज के टाइम पे कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस को भी इन्होंने जो है दोस्तों बहुत ही बीट कर दिया, बहुत ही लिमिट से बीट कर दिया है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा था कि भाई गांधी गांधी चलता रहता था, है ना, एक आदमी एक बार गांधी का बनता था, और यहाँ पे तो मतलब आदि हो गई है कि मतलब पांचों पूरा परिवार पूरा कुनबा ही जो है वो पूरा पार्लियामेंट में कूद चुका है। तो यहाँ पे बैसिल राजपक्षा दोस्तों जो ब्रदर है गोटबाय राजपक्षा के, प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा के, उनको श्रीलंका के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है जो कि डिपार्टमेंट दिया गया है। ये फोर्थ राजपक्षा ब्रदर और फिफ्थ मेंबर है उनकी फैमिली का। एल्डेस्ट जो उनके सबसे बड़े ब्रदर है उनका नाम है कैमल राजपक्षा, ओके, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है ऑलरेडी इनका जो है ना। और इसके अलावा महिंदा राजपक्षा का जो बेटा है वो भी यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है। इनको मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो कि बनाया गया। हालांकि यहाँ पे ये लॉ था कि ड्यूल सिटीजनशिप जिनके पास में बाहर के सिटीजनशिप जो है ना उनको यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने लॉ के अंदर तब्दीली करी अपने भाई के लिए। देखा भाई, भाई पर देखा कितना प्रेम है यहाँ पे, ओके। तो अपने भाई के लिए ड्यूल सिटीजनशिप वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किया, क्योंकि ये जो है ये अमेरिकन सिटीजन है, ओके। और उनको जो है रूल चेंज करने के बाद में पार्लियामेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट है जो कि किया है। मतलब कितने खुश हो रहे हैं सारे के सारे घर परिवार के लोग आपस में मिलकर। इसीलिए दोस्तों इनकी एक फोटो जो है बहुत ही फेमस हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे, देख सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से एक फोटो भी बहुत बनाई गई है सारे के सारे परिवार के लोग यहाँ पे। ऑल राइट, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि साउथ अफ्रीका को लेकर। साउथ अफ्रीका के एक्स प्रेसिडेंट दोस्तों जुमा जी जो है उनको जेल हो गई एक लैंडमार्क रूलिंग के बाद में, ओके गाइस। कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज जो कि उनको जून 29 को लगा था, तो जेकब जुमा, ओके, 15 मंथ का सेंटेंस है जो कि जेल है जो कि इनको दी गई है कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के वजह से। और साउथ अफ्रीका फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो कि बन चुके हैं जो कि इस तरीके से जिनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के वजह से जेल है जो कि जाना पड़ रहा है। काफी बुजुर्ग आदमी है, 79 के है, ओके गाइज, ठीक है। तो कोर्ट ने जो है इनको ऑर्डर दिया था आने को, लेकिन ये इन्होंने कंटेंप्ट किया, आए नहीं, कई बार जो है गोलियां देते रहे, करप्शन के चार्जेस जो कि इनके पास में लगे हुए थे जब ये 9 साल तक ये पावर में जो है ये रहे थे, समझ गए। अभी इनको रिसेंटली अरेस्ट जो कि कर लिया गया इनके होम टाउन से, ठीक है। चलिए ऑल राइट, तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब दुनिया में अगर
इस तरीके से डेमोक्रेटिकली कोर्ट के द्वारा अगर किसी भी पॉलिटिशियन को चार्ज किया जाता है तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जो कि पूरी कंट्री में जाता है। समझ गया, आपको मालूम है ना कि कौन थी नॉर्वे की प्रधानमंत्री को कितना 2-3 लाख रुपए का मेरे ख्याल से कोई चालान ठोक दिया गया था पुलिस के द्वारा, क्योंकि मास्क नहीं पहना था उन्होंने पब्लिक रैली के अंदर, है ना। और ये बोल के पुलिस ने ज्यादा प्रधानमंत्री के ऊपर चार्ज लगाया कि आप प्रधानमंत्री हो तो आपके ऊपर तो हम डबल फाइन लगाएंगे, क्योंकि आप तो एक तरीके से एग्जाम्पल हो, है ना, आपको तो सबसे पहले पहनना चाहिए लेकिन आप ही डिसोबे कर रहे हो। ओके, तो ये क्या होता है, कंट्री के अंदर पॉजिटिव चीजें जो की जाती है। बाकी जो प्रेसिडेंट है उनको भी, या जो वहां पे पॉलिटिशियन है उनको भी लगेगा कि यार जब इसी को नहीं छोड़ा तो फिर हमको कहां छोड़ेगा कोर्ट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में, आप देख सकते हैं। ओके, ये रहा साउथ अफ्रीका, बिल्कुल नीचे की तरफ अफ्रीका के प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लैकफोंटेन, तीन यहाँ पे राजधानी है। सबसे बड़ी सिटी यहाँ पे जोहान्सबर्ग है, इंग्लिश सबसे ज्यादा यहाँ पे बोली जाती है। इसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, क्रिश्चियनिटी 78%, बाकी नो रिलीजन 10%। ओके, इसके अलावा प्रेसिडेंट यहाँ पे रामफोसा जी है अभी, और ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इनका 1997 के अंदर जो कि बना था, और यूके से इंडिपेंडेंस है जो कि इनको मिली थी, है ना। आपको मालूम है इंडिया से, इंडिया जब कॉलोनी था ना उससे ज्यादा जो है हैरेसमेंट मोलेस्टेशन जो है वो यूके ने साउथ अफ्रीका का किया है, साउथ अफ्रीका के साथ तो बहुत ही बुरा किया था। ओके, उसके बाद फिर उनका ध्यान है जो कि इंडिया की तरफ आ गया था। चलिए आगे बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करें तो 5-6 करोड़ की पॉपुलेशन है, और पर कैपिटा इनकम जो है वो $5,000 है पर पर्सन पर ईयर, एसडीआई के अंदर हाई है, करेंसी यहाँ पे साउथ अफ्रीकन रैंड है जो कि यहाँ पे चलती है। ओके, आगे बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि इसी पेज के ऊपर है, कौन सा, हाँ ये वाली, एक तो ये वाली न्यूज हो गई, एक ये वाली बात करी हमने, एक और ये वाली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, और ये दुबई के अंदर भी दोस्तों एक एक्सप्लोजन हुआ इसके बारे में भी बात कर लेंगे। ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि म्यांमार को लेकर है। नॉर्वे की एक टेलीकॉम कंपनी, आपने सुना होगा इसका नाम टेलीनॉर, इंडिया के अंदर भी ये आई थी लेकिन फिर कुछ ज्यादा टाइम तक कुछ अच्छा कर नहीं पाई, इंडिया के साउथ इंडिया में थोड़ा बहुत इसका फुटप्रिंट है जो कि हुआ करता था। तो ये नॉर्वेजियन टेलीकॉम कंपनी है टेलीनॉर, लेकिन ये दोस्तों म्यांमार के अंदर जो है वो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है, मतलब म्यांमार के अंदर जो है ना, म्यांमार के अंदर काफी अच्छा इसका बिजनेस था वहां पे। ओके, वन ऑफ द मेजर ऑपरेटर, जैसे कि हमारे यहाँ पे रिलायंस जियो और एयरटेल है ना, इसी तरीके से, लेकिन वहां पे मिलिट्री कूप होने की वजह से दोस्तों कंट्री के अंदर उन्होंने इसको छोड़ दिया है, अपनी जो सब्सिडरी कंपनी थी उसको बेच रहे हैं वहां पे। तो एग्रीमेंट जो है टेलीनॉर म्यांमार ने एमआई ग्रुप है उसके साथ में $105 मिलियन के अंदर है जो कि किया है, हालांकि नेटवर्क एलएसएस छोटी मोटी हेल्प जो कि वो अवेलेबल करवाते रहेंगे, लेकिन जो मेजर बिजनेस है वो बंद कर दिया है, क्योंकि वही वाली बात है कि जब मिलिट्री के हाथ में चीजें आ गई है तो वहां के सिक्योरिटी, वहां के रेगुलेटरी कंप्लायंसेस वो सब तो खैर पूरे होंगे ही नहीं ना। जब एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होता है तो उसको बहुत सारे फायदे होते हैं उसके, है ना, हर चीज प्रॉपर तरीके से होती है, कंपनी आती है बाहर से, और लेकिन जिस तरीके से जब है ना डेमोक्रेसी कम होने लगती है तब चीजें खराब होने लगती है, तो उसी का कारण है जो कि टेलीनॉर को यहाँ पे जाना पड़ रहा है। ओके, नॉर्वेजियन कंपनी, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, फायर फाइटिंग बोट दोस्तों बहुत सारी जो है वो दुबई के अंदर देखने को मिली, क्योंकि एक कंटेनर शिप है वहां उसके अंदर आग लग गई, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है जो कि देखने को मिला दुबई के जैबल अली पोर्ट के ऊपर थर्सडे को। ओके, ठीक है गाइस, तो 12 घंटे के तक, मतलब जो 12 घंटे तक, मतलब ब्लास्ट होने के बाद में तक यहाँ पे फ्लू में जो कि देखने को मिला, और काफी लार्ज एक्सप्लोजन हुआ था, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है। ओके, एक लीकेज जो कि शिप के होने की वजह से बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि दुबई के अंदर इस तरीके से कुछ घटना देखने को मिले, लेकिन रिसेंटली देखने को मिली। ओके, इसी तरीके से अगर मैं पोर्ट के आसपास की बात करूं तो लेबनान के अंदर भी हुआ था, आपको याद होगा बैरक नाम की सिटी के अंदर, काफी टाइम पहले लास्ट ईयर की बात है गेस, है ना, वहां पे भी इस तरीके से देखने को मिला था। चलिए चलिए आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो यहाँ पे तो फेसबुक को जो है उसके लोन को लेकर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ पे क्लीन एनर्जी को लेकर बोला गया है, उसने अपने जो इंडियन असेट्स हैं उसको सीज कर लिए हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें और तो फ्रंट पेज के ऊपर तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले न्यूज के बारे में बात करेंगे, ये फिर भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कोविड के केसेस को लेकर, देखिए पूरे देश के अंदर केसेस जो है वो कम हो रहे हैं, लेकिन केरला के अंदर अभी भी आप देखोगे ना तो केसेस राइज हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर थर्ड वेव के बारे में दोस्तों बातचीत है जो कि यहाँ पे
हो रही है कि ये थर्ड वेव जिस तरीके से कुछ राज्यों में अभी केसेस वापस है, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा केसेस वापस से थोड़े से बढ़ गए, तो वापस से यह आशंका लगाई जा रही है कि हो सकता है कि एक से दो महीने के अंदर वापस से थर्ड वेव की गुंजाइश है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अभी भी ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा गैदरिंग में नहीं जाना है, मास्क का अभी भी यूज करना है, ओके, अभी भी जो है ये जंग खत्म नहीं हुई है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वेव के बाद में बहुत ही ज्यादा लीनियंसी दिखाई और सेकंड वेव के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हो गई, तो अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो प्लीज टेक केयर। केरला के अंदर आप देख रहे हो 10-20 हजार केसेस जो है नॉर्मली, 10 से 13 हजार केसेस जो कि एवरीडे आ रहे हैं, है ना, और पूरे देश में बात करें तो 40 से 50 हजार केसेस जो कि अभी भी देखने को मिल रहे हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। आगे बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन कमीशन ने दोस्तों फाइन लगाया है जर्मन कार कंपनी वॉक्सवैगन और बीएमडब्ल्यू के ऊपर, पता है कितने का? $1 बिलियन का फाइन है जो कि ठोका है, ओके, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, जो इमिशन स्टैंडर्ड्स थे उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो क्लीनिंग टेक्नोलॉजी थी जो कि डेवलप करी गई थी उसको ये प्रॉपर यूज है जो कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है गाइस। चलिए, तो इसके वजह से मतलब जो है इनके ऊपर ये फाइन है जो कि लगाया गया। आपको मालूम है ना कि काफी टाइम पहले जब इनकी टेस्टिंग होती ना इमिशन स्टैंडर्ड्स की भी, तब इन्होंने कुछ डिवाइसेस यूज करके जो अपना इमिशन है उसको कम दिखाया था, ओके, तो एक तरीके से चीटिंग का केस है जो कि यहाँ पे बनता है, ठीक है गाइस। इसके वजह से भी इनके ऊपर काफी फाइन है जो कि ठोका गया है, ओके, चलिए, ठीक है। तो ये वाला केस है, तो आपको दो कंपनियों के बारे में ध्यान रखना है कौन कौन सी कंपनी है जिनके ऊपर ये फाइन लगाया गया है, है ना, ऑल राइट, ठीक है। वॉक्सवैगन की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, ऑडी वॉडी सब इन्हीं की है, ठीक है। अगर मैं यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करूं जिसका यूरोपियन कमीशन है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इनके पास में इनका खुद का कमीशन भी है, काउंसिल भी है, ओके, पार्लियामेंट भी है, और इसके अलावा सेंट्रल बैंक जो है वो लग्जमबर्ग सिटी में है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, जनरल कोर्ट, सेक्रेटरीट, सब कुछ है, मतलब जो कि यूरोपियन यूनियन ने बना रखा है। 24 लैंग्वेजेस है, पेरिस सबसे बड़ी सिटी है जो कि यू के अंदर मानी जाती है। इसके अलावा बात करें तो ये तो यहाँ पर रिलीजन है 71% क्रिश्चियनिटी और 24% जो यूरोपियन यूनियन के अंदर नॉन रिलीजन वाले लोग हैं। इसके अलावा 27 कंट्रीज है जो कि इसके मेंबर है। प्रेसिडेंट जो है अभी कमीशन के वो है यूर्सेला, और प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट के डेविड है। ट्रीटी ऑफ रोम हुई थी सबसे पहले 1958 के अंदर, उसके द्वारा दोस्तों सबसे पहले एक जॉइंटली एक यूरोपियन पावर है जो कि बनाने की कोशिश करेगी। उसके बाद में मैरिटाइम ट्रीटी हुई, उसके बाद में लिस्बन हुई, ओके, और फाइनली 2009 के अंदर जो है वो अच्छी तरीके से यूरोपियन यूनियन साथ में मिलकर काम करने लगा। लास्ट क्रोएशिया जो है वो एडमिट हुआ था और यूके है जो कि इसमें से निकला था, ओके गाइस। चलिए, पॉपुलेशन की बात करें तो 45 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है यूरोपियन यूनियन की। अगर बात करें तो 3% के आसपास पानी है इनके पास में, और पर कैपिटा इनकम अगर आप यूरोपियन यूनियन की देखो तो आपको $38,000 है पर पर्सन पर ईयर देखने को मिलेगी। यूरो यहाँ पे दोस्तों करेंसी है जो कि इनके द्वारा बनाई गई, ठीक है गाइज। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा कल का एक करेक्शन है गाइज, कल हम लोग ओपेक कंट्रीज के बारे में बात कर रहे थे, याद है आपको, तो मैंने आपको बोला था कि भाई गैबॉन जो है वो वापस से एड ऑन हो गया है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई 13 कंट्रीज है इसके मेंबर, लेकिन एक चीज मैंने मिस ये कर दी थी कि इक्वाडोर ने जो है वो उसको छोड़ दिया था, है ना, ये वाला वर्ड मैंने कल बोला नहीं था, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए वापस से बता रहा हूं। 13 कंट्रीज जिसके मेंबर है, गैबॉन ने छोड़ा था लेकिन वापस से ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली के अंदर 5 कंट्रीज है जो कि आपके गल्फ से है, 7 कंट्री आपको मिलेगी अफ्रीका से, और 1 कंट्री आपको मिलेगी साउथ अमेरिका से। पहले 2 हुआ करती थी, वेनेजुएला और इक्वाडोर, तो अभी 1 ही है। यहाँ पे देखिए मैप, ये देखिए 5, 7 और ये 1, ठीक है गाइस। तो 13 कंट्रीज है, और मोहम्मद बारकिंडो है जो कि सेक्रेटरी जनरल है। बगदाद के अंदर इसका डिक्लेरेशन हुआ 1960 के अंदर, ठीक है। चलिए, आप देख सकते हैं 3 कंट्रीज जो कि इसकी मेंबरशिप लेके बाहर निकल गए बाद में, वो उसमें से एक इक्वाडोर है, एक इंडोनेशिया, और कतर भी कभी इसके मेंबर हुआ करते थे, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करें जनसत्ता की दोस्तों, तो जनसत्ता की अगर हमारे लिए बात करें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी के दावे का भारतीय सरकार ने खंडन किया। अभी देखते हैं ये संपत्ति भारतीय सरकारी संपत्ति को जब्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक दो दिन में थोड़ी स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी। चलिए, मंडी समितियों के विस्तार के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का घोषणा है जो कि कृषि मंत्री के द्वारा करी गई है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक और रिपोर्ट आई है दोस्तों लैंसेट की, जिसमें बताया गया कि भारत में हर साल मौत के करीब 7.5 लाख मामले हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण असामान्य तापमान से जुड़े हो सकते हैं। यानी कि 7.5 लाख लोगों की सिर्फ और सिर्फ जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है ना, उसकी वजह से मृत्यु है जो कि हो रही है, तो काफी बड़ी बात है। मतलब यार, मोनैश विश्वविद्यालय है ऑस्ट्रेलिया में, उनके शोधकर्ताओं ने जो है ये पता लगाया कि 50 लाख से अधिक लोगों की मौत जो है
ओके, तापमान या तो ज्यादा होना या फिर बहुत ही कम होना उसकी वजह से होती है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे 7.5 लाख लोग हैं जो कि बताए गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी नंबर है, मतलब यार ओके बहुत ही मतलब जरूरी है हमारे यहाँ पे यार पेड़ पौधे लगा के मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। देखो इन्वायरमेंट जितना अच्छा होगा, क्लीन होगा, जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ज्यादा क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है, गर्मी को भी कंट्रोल करते हैं, सर्दी को भी कंट्रोल करते हैं, है ना। तो हमारे लिए बहुत जरूरी कि हम लार्ज स्केल के ऊपर हमारे फॉरेस्ट कवर को 33-35% तक जो है हम लोग लेके जाएं। चलिए आगे बात करते हैं व्हाइट फ्लैग कैंपेन को लेकर। तो दोस्तों मलेशिया में दोस्तों क्या हुआ था कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आपको डिसेंट दिखाना है तो घर के बाहर जो है वो ब्लैक काले कलर के झंडे है जो कि लगा दो, जिससे समझ में आ जाता है कि जनता जो है वो गवर्नमेंट को बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रही है और ये गवर्नमेंट जो है वो बिक गई है। वो सुना है ना आंटी को, ये सारे मिलकर जो है वो हमें बेवकूफ बना रहे, ये गवर्नमेंट बिक गई है। तो वैसा है दोस्तों, बताना है तो आपको ब्लैक कलर के झंडे मलेशिया में लोग लगाते हैं, सरकार को हालांकि पसंद नहीं आता, सरकार जो है उनको काफी हटाती भी है। ओके, क्योंकि सरकार तो आपको मालूम ही है, ओपनली एक्सेप्ट करके काम करने वाली सरकारें तो बहुत ही कम है ना। चलिए, तो लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है, व्हाइट फ्लैग है जो कि दोस्तों लोगों ने घर के बाहर लगाना चालू कर दिया है। ये क्यों लगाना चालू कर दिया है, ये लोगों ने खुद ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि ये बताया जा सके कि कोविड के अंदर हमारी हालत बिल्कुल खराब हो गई है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास में खाने का कोई सामान नहीं है, तो अगर कोई ऐसा है जो कि हमारी हेल्प करे तो कर सकता है हमारी। तो इसलिए उन्होंने घर के बाहर व्हाइट फ्लैग है जो कि लगाया है। तो मलेशियन सिटीजन जो है लोअर इनकम ग्रुप के जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने व्हाइट फ्लैग कैंपेन चलाया है उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है पेंडेमिक के अंदर दिखाने को लेकर। ओके गाइस, आपको मालूम है बहुत फाइनेंशियल लॉसेस है, बहुत सारे जॉब लॉसेस है जो कि इस पेंडेमिक के अंदर देखने को मिली है। इसीलिए दोस्तों ये देखिए आप घर के बाहर जो है इस तरीके से झंडे लगाए जा रहे हैं, है ना। और ये हालांकि अगर इसको गवर्नमेंट पॉजिटिव तरीके से ले तो मुझे लगता है कि ये कैंपेन बहुत अच्छा हो सकता है और एक एग्जांपल हो सकता है। देखिए, एक देश के अंदर बहुत सारे अमीर लोग भी होते हैं, कम से कम ऐसे होते हैं, एक अगर मैं डेवलपिंग कंट्री की बात करूं तो 20-30% लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद के परिवार के अलावा भी किसी दूसरे परिवार की भी मुश्किलों के अंदर हेल्प कर सकते हैं, उनको एटलीस्ट 2 वक्त के खाने का जुगाड़ कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो अगर इस कैंपेन को लार्जली किया जाए और जनरली लोग अगर अपने फ्लैग लगाएं, आपके आसपास जो लोग जिनके पास में खाने का है, जुगाड़ है, जिनके पास नौकरी है, तो वो अपने आस पड़ोसियों की हेल्प करके इस पेंडेमिक से निकालने में मदद कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि गवर्नमेंट को तो लगता है कि भाई डिसेंट है ये, तो गवर्नमेंट ने भी जो है इस मूवमेंट के खिलाफ जो है यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपल और फैमिली जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है हंगर से मैनेज कर रही है और एक व्हाइट फ्लैग है जो कि घर के बाहर लगा रहे हैं, जिससे ये पता लगेगा कि भाई किसको जो है वो कितनी नीड है। कोई भी गुड सिटीजन या जो नेबर जो कि केपेबल है हेल्प करने के लिए, उनको मदद है जो कि कर सकता है। ठीक है गाइस, चलिए, फूड बैंक कहां कहां पर है उसके लिए एप्लीकेशन बनाई गई है ताकि हंगरी लोग जो है वहां से भी खाना है जो कि ले सके। ओके, हमारे भी यही हो सकता था कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री आते और उस दिन रात को 8 बजे जो है वो घोषणा करते और ये बोलते कि भाई जो लोग जो है जिनको खाना नहीं मिल रहा है तो उनको जो है एटलीस्ट थाली बजाए और उसके बजाय ये बोलते कि भाई खाना खिलाओ, अगर आपके घर में एक दिन का खाना जो है एक आदमी का खाना एक्स्ट्रा आपको अपने घर में बनाना है, अगर रात को आते थाली बजाने के बजाय और ये कभी घंटी बजाने के बजाय अगर इस तरीके से अनाउंसमेंट होता कि जो भी आपको भूखा या फिर आपके आसपास ऐसे लोग दिखते हैं तो एक परिवार जो है वो एक आदमी का खाना एक्स्ट्रा बना के उनको खिलाए। मैं बता रहा हूँ किसी भी माइग्रेंट को जो है इतना लाखों हजारों किलोमीटर पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी जो है वो भूखमरी से मरता नहीं, रोड के ऊपर लोग करते नहीं, हर इंसान जो है एक आदमी का खाना एक्स्ट्रा बना के खिला सकता है, मिडिल क्लास आदमी भी कर सकता है, जिसके पास सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, कोई भी कर सकता है। ओके, लेकिन बात है कि भाई आप किस तरीके से चीजों को अप्रोच करते हो, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती थी। यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने कैंपेन है जो कि चला रखा है, घर के बाहर है जो कि इस तरीके से झंडे हैं जो कि इन्होंने लगा रखे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में वाटर डिस्प्यूट को लेकर है। देखिए क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में काफी टाइम से जो है वो पानी को लेकर युद्ध स्तर के ऊपर लड़ाई है जो कि हो रही है। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हो गया था अभी 1-2 साल पहले तो, कि दोनों राज्यों की पुलिस जो है वो आपस में गुत्था होने की वाली कगार पे आ गई थी, वो आपस में जो है वो लड़ने जैसे आ गई थी, मतलब दोनों की पुलिस मतलब जो अथॉरिटीज है वही आपस में लड़ रही है। तो ऐसी तक कंडीशन हो गई थी क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो नागार्जुन सागर डैम है उसके पानी को लेकर दोनों के बीच में काफी कंफ्लिक्ट है जो कि देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2015 के अंदर भी दोनों राज्यों की पुलिस है जो कि आमने सामने हो गई थी और आपस से हीटेड आर्गुमेंट हुए थे पानी को लेकर, नागार्जुन सागर डैम को लेकर। ठीक है, उसके बाद से रिलेशन थोड़े इंप्रूव हुए लेकिन अभी भी हालत वही है। कृष्णा रिवर का जो वाटर का जो शेयरिंग है वो ऑलरेडी कर रखा है मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 41% पानी तेलंगाना को मिलेगा, आंध्र को
58% मिलेगा, 229 टीएमसी, तेलंगाना आंध्र को 321। अब तेलंगाना का ये कहना है कि आंध्र को उसका शेयर जो का पानी है जो कि मिल गया है, अब वो एक्स्ट्रा पानी मांग रहा है। आंध्र का ये कहना है कि तेलंगाना क्या कर रहा है, इस पानी को डाइवर्ट कर रहा है और हमारे पास में प्रॉपर पानी नहीं आने दे रहा है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में डिस्प्यूट है नागार्जुन सागर डैम को लेकर। ठीक है गाइस, चलिए ओके ऑल राइट। और तेलंगाना ने 50-50% शेयर करने के लिए भी बोला था लेकिन वो नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं ये है दोस्तों हीराकुंड डैम, ये इंदिरा सागर डैम है, सरदार सरोवर, कोयना, ये है नागार्जुन सागर डैम। देख सकते हो आप बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है तेलंगाना और आंध्र के, और जस्ट उसके नीचे श्रीसेलम डैम भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे है आर्च डैम, एकमात्र आर्च डैम है जो कि केरला में इदुक्की डैम है ना, ध्यान रखिए। ऑल राइट, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारे क्रेन एनर्जी और इंडियन गवर्नमेंट के डिस्प्यूट को लेकर। ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में तो आगे बात करते हैं। साइंटिस्ट दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया एक नया प्लांट का स्पीशीज अंटार्क्टिका के अंदर। ओके गाइस, तो अंटार्क्टिका के अंदर प्लांट के स्पीशीज मिलना काफी बड़ी बात है। तो बठिंडा के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, उसके जो बॉटनिस्ट है उनकी टीम ने डिस्कवर किया एक नया प्लांट का स्पीशीज नेटिव मॉस फ्रॉम द ईस्टर्न अंटार्क्टिका। ओके गाइस, तो ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। एक रॉक है मतलब है ना, और अपना जो स्टेशन है ना भारती स्टेशन है उसी के पास में मतलब ये देखने को मिला है। ठीक है गाइस, चलिए। और इसका नाम दिया गया है ब्रायम, ब्रायम भारतीय निश्चित है जो कि इसको नाम दिया गया है। फर्स्ट एंड ओनली प्लैनेट स्पीशीज है जो कि डिस्कवर किया गया है अभी इंडियन अंटार्कटिका मिशन के तहत है ना, अंटार्कटिका मिशन के तहत पहला स्पीशीज है जो इसके बारे में हमने पता किया है। 1984 के अंदर ये स्टेशन है जो कि हमने सेटअप किया था, 1999 के अंदर से हमने इसको अबंडन कर दिया था और उसको ठीक है क्योंकि वो पूरा का पूरा इसके अंदर समर से जो कि हो गया था। उसके बाद 89 के अंदर हमने मैत्री स्टेशन है वो सेटअप किया। ओके, उसके बाद में हमने भारती को भी वापस से भारती को सेटअप किया। ठीक है, ईस्ट जो अंटार्कटिका वाला एरिया है वहां पे हमने देखिए इस प्रकार से सेटअप है जो कि किया गया है। ऑल राइट, ठीक है गाइस, इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ये साइंटिफिक रिसर्च और एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले इसको 1981 के अंदर स्टार्ट किया गया, अंटार्कटिका की एक्सपेडिशन से शुरुआत है जो कि करी गई। हमने अंटार्कटिका ट्रीटी साइन करी 1983, ओके, जिसके तहत अंटार्कटिका ट्रीटी के तहत ये था कि भाई कोई भी देश जो है आर्मी ने वहां पे नहीं लगाएगा, कोई भी देश जो है उसको परमानेंट अपना वो नहीं बनाएगा, जमीन को जो है उन्होंने खुद को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ओके, कोई परमानेंट वहां पर रहेगा नहीं, सिर्फ रिसर्च स्कॉलर्स रहेंगे, ऐसे बहुत सारे ट्रीटी के अंदर पॉइंट्स थे। ठीक है गाइस, चलिए। इसके अलावा इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया फर्स्ट अंटार्कटिक रिसर्च बेस जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री है जो कि रखा गया था। ये 2500 किलोमीटर दूर है साउथ पोल से। ओके, समर्स हो गया था उसके बाद में हमने इसको छोड़ दिया और उसके बाद में दक्षिण गंगोत्री को हमने सेकंड रिसर्च बेस है जो कि बनाया जिसका नाम था मैत्री। ठीक है गाइस, चलिए ऑल राइट, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में हमने तीसरा वाला जो बनाया ना वो भारती बनाया था, एक तो दक्षिण गंगोत्री, उसके बाद हो गया मैत्री और उसके बाद हो गया भारती। ठीक है, भारती को हमने 2012 के अंदर ही है जो कि बनाया है। ओके गाइस, ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, और हम लोग 9 कंट्री में से एक है जिनके एक से ज्यादा बेस है जो कि हमारे अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर है ना, 9 कंट्रीज ये जिनके एक से ज्यादा बेस है जो कि बने हुए हैं। ठीक है गाइस, तो भारती और मैत्री अभी दो एक्टिव अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है जो कि बने हुए हैं। 40 एक्सपेडिशन है जो कि अभी तक हम इसके ऊपर कर चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारे यहाँ पे सिलंबम को लेकर है। ये सिलंबम क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एक मार्शल आर्ट की टेक्निक है। ठीक है गाइस, तो रिसेंटली एक इंडियन नेम्ड एक पर्सन है जिनका नाम है गणेशन और उन्होंने टॉप प्राइज जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटेड कंपटीशन के अंदर जीता है जो कि माइग्रेंट वर्कर के लिए सिंगापुर में रखा गया था। तो वहां पे उन्होंने परफॉर्मेंस है जो कि सिलंबम की दी है। ये देने के बाद में मतलब काफी लोग जागरूक है, उनको लगा पता नहीं यार ये कौन सी टेक्निक आ गई। तो बताया गया कि भाई ये एक एशियंट वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है जो कि तमिलनाडु के अंदर जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है जो कि पूरे दुनिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट की टेक्निक है जो कि इसको माना जाता है। आपको मालूम है हमारे यहाँ पे दोस्तों कराटे की शुरुआत हुई थी लेकिन ये मार्शल आर्ट बना चाइना के अंदर जाके, चाइना में जाके ये डेवलप हुआ, उसके बाद में ये वहां पे जो है काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा। ओके, तो सिलंबम जो है उसका मतलब ये होता है कि स्पोर्ट है, मतलब सिलम का मतलब है माउंटेन, बम का मतलब है बैम्बू जो कि एक वेपन है जो कि बनाया जाता है। केरला के मार्शल आर्ट जो है कलारी पायाटू उससे भी दोस्तों काफी जो है सिमिलर है जो कि ये माना जाता है। ठीक है, फुट मूवमेंट है जो कि इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, 16 मूवमेंट है जो कि मास्टर ऑफ मूवमेंट बनने के लिए करने पड़ते हैं। ठीक है गाइस, चलिए। ठीक है, एक्चुअली के अंदर कई सारे आर्म्ड लोगों से अपने आप को बचाने को लेकर जो ये टेक्निक बनाई गई थी है ना, 1000 BC के टाइम पे इसको बनाया गया था और अगस्त्य मुनिवर करके उनके द्वारा
इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी ऐसा माना जाता है। संगम लिटरेचर के अंदर जो है शिल्पा डिग्रम जो है उसी के अंदर भी इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है। और यहां तक भी बोला गया है कई सारे तो जगह पे कि इसको 10,000 BC के टाइम पर भी प्रैक्टिस है जो कि किया जाता था। काफी बड़ी बात है, मतलब यार इतना पुराने पुराने टाइम की चीजें हैं। चलिए ऑलराइट, आगे बात करें आज के इतिहास के बारे में दोस्तों। तो आज के इतिहास है 1918 के अंदर मोंटेग्यू क्लेमेंसन रिपोर्ट है जो कि आज ही के दिन पे आई थी और ये भारत में लेजिस्लेशन को बनाने को लेकर आई थी। हालांकि इंडियंस को थोड़ा बहुत अलाउ कर दिया गया था लेजिस्लेशन के अंदर 1918 के अंदर। मोंटेग्यू क्लेमेंसन दो आदमी थे उनके द्वारा बनाया गया। 54 के अंदर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी जो है उन्होंने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट भाखड़ा नांगल डैम है जो कि पंजाब में इनॉग्रेट किया। 1966 में शेषन साहब को जो है मैग्सेसे अवार्ड जो कि मिला था जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और भारत के सबसे जबरदस्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो कि शेषन साहब माने जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिशियन जो है इनसे डरा करते थे उस जमाने में। चलिए इसके अलावा वर्ल्ड की बात करें 2011 में साउथ सूडान जो है वो यंगेस्ट कंट्री है जो कि दुनिया में बना था। ओके गाइस, एक कंट्री तब माना जाता है तब आसपास की कंट्री उसको कंट्री मान ले, तो इसीलिए सबसे और ठीक है सबसे यंगेस्ट कंट्री है जो कि इसको माना जाता है। यूएन का मेंबर है जो कि ये बना था। फर्स्ट विंबलडन है जो कि 1877 में आज के दिन पर करवाया गया था। ओके गाइस, उसके बाद देखते हैं आज का फन फैक्ट की बात करें गाइस, तो देखिए डॉल्फिन है ना अपने प्रेडेटर्स को देखने के लिए इतने ज्यादा उसने अपने आप को चेंज किया है कि अब वो एक आंख से भी सो सकती है और कई दिनों तक एक आंख से जो है वो सोती है। ठीक है गाइस, तो डॉल्फिन स्लीप वन आई ओपन और यह इसने वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एनिमल है जो कि प्लेनेट के ऊपर माना जाता है। ओके, और अपनी ब्रेन पावर को इतना बढ़ा दिया है कि पूरी नींद ले लेती है और एक आंख खोल के ले लेती है ताकि प्रेडेटर को भी पता कर सके और अपनी नींद भी ले सके। सोचिए कितनी बड़ी बात है यार, मतलब काफी अजीब बात है। चलिए आगे बात करते हैं इंडिया करंट अफेयर के ऊपर। एक और नया वीडियो आने वाला है, वास्को डी गामा की पूरी जर्नी जो है ना किस प्रकार से भारत पहुंचे थे वो मैं आपको दोस्तों एक बिल्कुल एनिमेशन के द्वारा बहुत ही अच्छे रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इंडिया करंट अफेयर के ऊपर ये वीडियो है जो कि मैंने कल ही दिया है, कल डाल दिया है, वैसे देख लेना, नहीं देखा तो कल रात को ही बनाए। ठीक है, ज्वाइन कर लेना। और इंडिया और अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है अन अकेडमी के ऊपर तो BHU10 आपका रेफरल कोड है, भुवनेश 10 भी आप लगा सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर लिखें, यहाँ पे आप गोल सेलेक्ट कर लीजिए 30+ एग्जाम में से, SSC UPSC IIT GATE CDS आपका जो भी एग्जाम है सेलेक्ट करिए, प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 महीने सेलेक्ट करें और नीचे BHU10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है, BHU10 लगाते हैं आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। EMI के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। GK पढ़नी है तो आप SSC बैच में पढ़ सकते हैं मेरे फाउंडेशन बैच के साथ। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंग्लिश मैथ रीजनिंग की भी पूरी क्लासेस मिल जाएगी। ओके, आज का पहला सवाल है, वयोवृद्ध कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया, 6 बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। 7 जुलाई 2021 को किस देश के राष्ट्रपति की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं। अपना दल प्रमुख अनुप्रिया सिंह पटेल को कौन सा मंत्रालय पोर्टफोलियो मिला है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।